you deal with it. I can get another one, no time, I ain't no dealing shit. मैं ना अपने तरीके से शूट नहीं कर पा रहा हूँ यार, मजा नहीं आ रहा, तो मेरे को इधर नया फोन लेना पड़ेगा या फिर मुझे पहले ये फोन चेक कराना पड़ेगा फिर नया फोन लेना पड़ेगा। नेक्स्ट लेवल भाई। नियर वा फिर चुप भी कराउंदी नहीं, हाथ जोड़ रोया बड़ा वापस ही आउंदी नहीं, दिल खाली है किताब तू फरोली किथे सी, जिनी बणदियां जाने नहीं भोली किथे सी। जय बात, ओके ब्रोस, टाटा बाय बाय, मिलते हैं फिर। लद्दाख से निकालते हैं भाई गाड़ी, ओह आई मीन बाइक। भाई बाइक ने भाई क्या उछालता भाई, है ना, गलती सी ने भाई इसको बाइक उछालने में। भाई कह रहा तुम्हारा इंजन खोल दिया मैंने, अब आएगा मजा, ये देखो। मैंने कहा इतना मत खोल दियो कि ये खुली जाए। तो भाई हम भी इस रोड का थोड़ा सा एक दो रुपए का फायदा उठाते हैं। एंड भाई ये रोड ना थानो रोड है, तो मेरा मन कर रहा था थोड़ा सा पीछे जाके आपको थानो का जगह दिखाऊं और वो प्लेस कितना ब्यूटीफुल है, बट वो 10-15 किलोमीटर दूर है, तो मैं ना लेट हो जाऊंगा यार, मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊंगा। अभी आपको अच्छा लगा हो तो बताना, एंड आप चाहते हो कि मैं देहरादून दोबारा आऊं और दोबारा राइड वाइड लें, एक प्रॉपर राइड लें। अभी ना बारिश के चक्कर में हम प्रॉपर राइड नहीं ले पा रहे थे, एक प्रॉपर राइड लें भाई लोग के साथ, एकदम बहुत बूम बाम कर दें, तो आप मुझे कमेंट में बताना, तो मैं यहाँ बाइक छोड़ के फिर गाड़ी से निकल जाऊंगा, फिर वापस आ जाऊंगा। अदरवाइज मैं यहाँ से निकलूंगा तो फिर मैं कहीं और की राइड लेने जाऊंगा। अगर यहाँ तुम्हारा लड़का वापस आया ना, तो फिर तो एक ट्रैक भाई, समझ रहे हो, मतलब बवाल चीज करेंगे फिर, एक बवाल चीज, जो जिसको मैंने प्लान किया था, जिसके चक्कर में मैं आया था, मेन वही चीज नहीं कर पा रहा मैं, जस्ट बिकॉज मेरे फोन में थोड़ी सी गड़बड़ी सी हो गई थी। ISBT 12 क्लॉक टावर 07, हमें जाना है क्लॉक टावर की तरफ। देहरादून का क्या सीन है ना कि यहाँ पे गाड़ियाँ तो है ही हैं, वो सुबह सुबह इतनी ज़्यादा गाड़ी निकल के आई, इतनी ज़्यादा बाइकें हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं, मतलब गाड़ियों से ज़्यादा कंपेरेटिवली बाइक है यहाँ पे। हम जा रहे हैं यहाँ से सीधा निकल के, ये जो है ना ये सहस्त्रधारा रोड है जहाँ से अपन आ रहे थे, तो ये सहस्त्रधारा एक जगह यहाँ पे वहाँ निकल जाती है। हमारा ना कल का एक्चुअली प्लान जो है वो घर जाने का है, ताकि मैं परसों मीटिंग अटेंड कर सकूँ, और परसों के अगले दिन भी है वो थोड़ी सी डाइसी वाली मीटिंग है, तो बस इसीलिए मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हूँ कि मैं बाइक कल छोड़ के जाऊँ, परसों मीटिंग अटेंड करूँ और बस तुरंत परसों ही वापस आ सकता हूँ या उससे अगले दिन वापस आ सकता हूँ, ताकि मैं यहाँ पे एक आधी राइड मार सकूँ, क्योंकि यहाँ ना बंदे बुला रहे यार। अरे भाई सही पॉल्यूशन क्या कर रहा है इनने, और ये शेवले बीट चला रहा है भाई, इसकी बीट खत्म हो चुकी है गाड़ी की भाई, ये तो बहन है क्या भाई, ये तो मतलब मजा आ गया। आपको मजा आया हो ना मेरे को बताना, और अगर आपको देखने हो ना भाई, मीटिंग फिक्स करते हैं देहरादून में, स्टंट दिखाएंगे, मजा आ जाएगा। लेकिन भाई ने स्टंट बहुत बढ़िया मारे, लाइक उसकी बाइक पे ना उसके हाथ परफेक्टली सेट थे, और ना उससे ये वाली बाइक जो ना निंजा, ये थोड़ी हैवी तो है ही, और ये उठ इसलिए नहीं रही थी, कहता भाई इसका जो क्लच है ना उसको थोड़ा टाइट कराओ, मैंने कहा नहीं भाई मेरे तो हाथ इसी में दर्द हो जाता है, मैं तो चाहता हूँ कि क्लच बहुत स्मूथ रहे, लूज रहे, ताकि क्लच दबाने में, हमें लॉन्ग राइड लेनी होती है भाई, हमें तो क्लच दबाने में इजी चाहिए सीन। देखो रे भाई, बेटे सेक्सी, अरे भाई लड़कियां भी आजकल सुपर ड्राइवर हो रखे हैं, गजब ही चलाती हैं भाई, सुई 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 निकाल के लाइए वो। एंड सी दिस इज द घंटा घर, ओ नाइस मैन, नाइस प्लेस। और ये जो है ना ये पलटन बजा रहा है, हाँ यहाँ पे एक जगह है कैपरी, तो हमें ना जो गोप्रो का जो छोटा सा टिपकी है ना वो चेक कर लेते हैं, कल रात हमने चेक करी थी बट मिली नहीं, यहाँ पे इधर साइड चेक करी थी सारी दुकानों पे, एक शॉप है यहाँ पे, उस शॉप पे चेक कर लेते हैं, और यहीं पे वो प्लेस है कैपरी, आगे तो नहीं निकल गया मैं। लाइक अगर आपको यहाँ पे सामान चाहिए ना, ये सारा इलेक्ट्रॉनिक का सामान यहाँ मिलता है सब। सी हमें ना ये टुकड़ी चाहिए छोटी सी, मैंने ना यहाँ अपना लैपटॉप बेचा था, यहाँ पे कोई शॉप थी शायद यही थी, उसकी हार्ड ड्राइव अलग निकाल ली और हार्ड ड्राइव भी बेच दी। दोस्त ये चाहिए यार कन्वर्टर 3:2:2, मतलब ऐसे, हाँ दोनों तरफ सेम है, 3.5 mm का जैक है ना, लाइक यहाँ लग जाएगा सिंपल। तो ये 3 पिन है ना, ये 1, 2, 3 दो रिंग है, दिखाओ नहीं, ये तो 2:2:2 है। इन भैया से पूछ लेते हैं यार, 3 पिन टू 2 पिन है, 3.5 mm का जैक ये भाई, यहाँ तो मिलेगा नहीं, सीन शॉर्ट है, दिल्ली से ऑर्डर कर रहा हूँ, वहाँ पे भी 10 दिन ले रहा है, नहीं है यार यहाँ किसी का कहीं मिलेगा नहीं, देख तो पता ही है ना। एंड चीता फैम अपन जा रहे हैं सामने प्रेमनगर की तरफ, तो ये जो जगह ना FRI IMA, अपन जा रहे हैं प्रेमनगर क्योंकि वहाँ ना एक पहलवान का ढाबा है, जो पहले ढाबा होता था अब वो भाई उसने रेस्टोरेंट बना दिया है। अगर आप पहले से कनेक्टेड हो ना तो शायद आपको पता हो कि प्रेमनगर को प्रेमनगर क्यों बोलते हैं। सी दिस इज फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, और इसके बारे में मैंने थोड़ा सा आपको बताया था, मस्ती चीज, क्या मजा आ रहा है ना भाई। ये जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, ये मतलब उस टाइम का बनाया हुआ है, इंदिरा गांधी का समझ लो, और भाई पूरा फॉरेस्ट एरिया जहाँ मैं रहता हूँ ना, वहाँ इतने किलोमीटर तक वो सारा इसके अंडर आता है। ओ आई दिस कोलावरी कोलावरी कोलावरी
टोटम टोटम प्रेम नगर। और मैं बताऊं पहले क्या सीन था, ये ना इतनी सड़क थी जितनी बीच में लाइन है उधर साइड वाली सड़क, और ये पूरा पहाड़ था साइड में, ये ऊपर दुकानें बनी हुई है ना, ये सब पहाड़ था, ये सब इन्होंने काट पीट के, इतनी गंदी जगह थी ये, कूड़ा वूड़ा पड़ा रहता था। ये देखो, दिस इज द उत्तरांचल यूनिवर्सिटी एंड दिस इज द ढाबा, जैसे वो सामने वाले ना इनसे भी छोटा वाला ढाबा। तो अब मैंने एक दिन देखा, मैंने कहा भाई ये तो मौज मान दी, और भी रूम भी अवेलेबल है यहाँ पे। गलत सीन भाई, गलत अपने लॉन्डे, गलत अपने लॉन्डे। ये देख रहे हो अंकल आंटियाँ पराठे खा रहे हैं, मैं कहाँ जा रहे हैं भाई, चलो यहाँ बैठ जाते हैं। भाई मेरा मन कर रहा है, मैं ना भाई से पूछने चाहता हूँ कि भाई ये बना कब तक, क्योंकि आपको ना क्यूरियोसिटी होती है बहुत ज्यादा, कि मैं जहाँ आया हूँ सोचो वहाँ पीछे ऐसे जंगल पड़ा हुआ था, बाहर जाते थे हाथ धोने, समझे ना, जंगल की तरफ, वो भी मग्गा लेके, वैसे वाला था, तो बहुत ही टिपिकल, बहुत पुराना, बहुत सेक्सी लगता था, लाइक ऐसा लगता था जैसे आप किसी देहरादून के मेन उस पर आए हो, जहाँ ना जंगल वाली जगह, मजा आ जाए खाने में। यहाँ सामने की तरफ ना एक, मतलब ऐसा समझ लो जैसे नीचे वो जो पहाड़ी बरसाती नदी है ना वो बहती है भाई। और ये देखो, आई लव महादेव, बहुत सारे ढाबे खुल गए यहाँ पे। ये लॉ के लिए थोड़ी फेमस यूनिवर्सिटी है, आई डोंट नो कैसी यूनिवर्सिटी है लॉ के लिए, मतलब मैं पढ़ा नहीं हूँ, मतलब ऐसा कुछ सीन था मेरा यहाँ पे। लेकिन यार ये जगह नो डाउट फील है, एंड मेरे लिए तो ये फील है, आई लव महादेव। भाई देखो चोर खाने भी लग गया, वी गॉट लस्सी, बढ़िया लग रहा है, इसके साथ कुछ और मंगाना है। ये देखो यहाँ लाना चाहता था, ये पूरा का पूरा ना उत्तरांचल का वो है कैंपस, मैंने प्रॉपर खाली देखी है, पूरी खाली, मतलब आज तक पानी तो मतलब। एंड हमने अपना राइडर चेंज कर दिया द वेनम बॉय, और ये देखो भाई साहब मन तो कर रहा है यहाँ नीचे जाकर ना से पैर डाल के बैठते, पर धूप बहुत ज्यादा है। और अब हम थोड़ा सा फ्यूल डला लेते हैं, होगा भैया प्रीमियम स्पीड वाला, जो भी है भाई देहरादून की वाइब भी चला गया, वाइब भी चला गया। एक ही चीज करनी होती है देहरादून में आके, बाइक हो और सीधे भाई मसूरी वाले पहाड़ पे चढ़ने का, तो वो तो भाई इतना मजा आता है भाई, लीन करते हुए लेके जाओ भाई, ये तो भाई बहुत ही ज्यादा ज्यादा बढ़िया लीन होती है भाई। हम अपनी नंबर प्लेट कहीं खो के आ गए, हमें पूरा पूरा देहरादून छानना पड़ेगा फॉर दिस नंबर प्लेट। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर एंड सी, तो फैम हमारी एंट्री यहाँ इसलिए हो रही है जस्ट बिकॉज मेरी फाइल अपलोड नहीं हो रही, मैं डेढ़ दो घंटे से लगा हुआ हूँ, 7 बजे पता है फाइल अपलोड अगर अभी नहीं लगाई ना मैंने लगा रखी है, मतलब हो नहीं पा रही वो, और अगर अभी नहीं हुई ना तो भाई वो 8 नहीं तो 8:30 नहीं तो 9 तो बजेंगे ही बजेंगे। जब फाइल अपलोड नहीं होती ना बहुत दुखता है, हम पूरे दिन मेहनत कर रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं, शॉर्ट्स भी निकाल रहे हैं, उसके बाद फाइल अपलोड ना हो भाई बहुत दिमाग खराब होता है। तो मैं अभी जा रहा हूँ फटाफट से नवनीत वाले जो कोचिंग सेंटर है उस पर। भाई यार ये होती है कभी कभी दिक्कत, होता है इतनी अजीब सी फीलिंग होती है ना जब आपकी वीडियो अपलोड नहीं होती और बीच में अटक जाती है, कोचिंग का रास्ता ही खो गया, पता नहीं कहाँ कोचिंग मिल जाए, अरे मिल गई नहीं पता नहीं, सामने ही है, सामने होनी चाहिए। लाइफ इज नॉट ईजी बट लाइफ इज सो एंटरटेनिंग, दैट्स व्हाट लाइफ इज। भाई फटाफट से हम कर रहे हैं अपनी फाइल अपलोड, ये देखो मेरी फाइल बैकग्राउंड में चल रही है, और भाई 1 घंटा 28 मिनट अभी भी, और 2% अपलोडिंग भाई हो ही नहीं रही कुछ। फाइनली अपनी फाइल अपलोड हो गई एंड 8:30 बजे पता दिमाग होंगे, जब कभी कभी फाइल अटक जाती है ना तो सही में मतलब हो जाता है काम, बट मैंने कोशिश पूरी करी 7:30 बजे 8:30 बजे तक कर। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे बताना जरूर, और मैं आपको दिखाता हूँ कि करना क्या होता है, एंड फाइल अपलोड करना, डेली ब्लॉग करना, वो भी अच्छे से कंटेंट क्रिएट करके निकालना, एकदम बार बार का कंटेंट समझ लो ट्रैवल वाला, भाई बहुत आसान काम है। तब भी आप लाइक नहीं करते कोई बात नहीं यार, लाइक करके जाए करो यार, वीडियो ऐसा थोड़ी होता है यार, सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो, तभी तो मैं आपको बहुत बेहतरीन चीज दिखाऊंगा ना भाई। मेरे को मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा आप लोगों से ना, मैं बहुत सारी चीजें प्लान कर रखता हूँ लेकिन पोस्टपोन हो जाती है ड्यू टू सम रीजंस, और आपका सपोर्ट नहीं होगा तो किसका होगा फिर, आ जाओ मैं दिखाता हूँ क्या सीन है, करना क्या होता है। एंड सी ऐसे होती है फाइल अपलोड, उसके बाद आपके पास ऐसे दिखेगी एक फाइल, और ये 6 मिनट पहले ही डाली है, मतलब मैंने जस्ट अभी फाइल डाली है, और इस पे ऐसे करते हैं भाई जी क्लिक, जब ये खुल जाया करे तो ऐड तो आप देखो कोई बात नहीं, यहाँ पे ना एक ऑप्शन आता है, देखो ये लाइक का देख रहे हो ऑप्शन, ये कर दिया करो, और यहाँ पे ना एक ऑप्शन आता है, एंड वॉच दिस, मेरी मम्मी का कमेंट सबसे पहला आया होता है, एंड दिस इज बाय नाइस वीडियो एंड आई एम फर्स्ट, थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू सो मच जी इंडियन व्लॉग्स, एंड बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे करके फिर आप कमेंट लिख सकते हो कि सुपर चीता लव फ्रॉम चीता लव लव लव, ऐसे करोगे ना थोड़ी सी मेहनत लगी आपको, देखो मेरे को ना 20 सेकंड लगे, ये मेरी दूसरी आईडी जो पुरानी आईडी थी, मेन चैनल नहीं है, खुद कमेंट किया है खुद, समझ लो पहली बार अपनी जिंदगी में। एंड भाई फाइनली मजा आ गया, देखो कितनी गंदी खुशी मिलती है ना मेरे को, लेवल की खुशी अगर फाइल अपलोड हो जाती है। और अभी मैं जा रहा हूँ एक रेस्टोरेंट में खाने के लिए, जस्ट फाइल अपलोड करके निकले हैं, द नेम इज काउंटडाउन, यहाँ पे चाइनीज अच्छी है उस पर, ऐसा मैंने सुना है, मैंने ऐसे पर्टिकुलर सर्च करके रेस्टोरेंट नहीं बताता हूँ कि ये चाइनीज़ के लिए है उसके लिए, पर मैं खाता पीता रहता हूँ इधर उधर, क्योंकि मुझे खुद टेस्ट अच्छे नहीं लगते यार, मैं चाइनीज़ खाने जाता रहा हूँ, लेकिन यहाँ जो मेरा फेवरेट कैफ़े है ना वो बताऊँगा, वो भी कब फेवरेट था 3-4 साल पहले, अब पता नहीं कैसा टेस्ट होगा उसका क्या होगा, इसीलिए मतलब बताने में अजीब लगता है, मैं खुद इतनी बुरी बुरी जगह खाने लग जाता हूँ कभी कभी। भाई हम फिर से रास्ता खो तो गए, अब मुझे नहीं पता कहाँ को जाना है, एंड भाई इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे, तो मुझे पता नहीं दिल्ली का मौसम कैसा हो रहा होगा, अभी जाता हूँ कल देखता हूँ, और फिर थोड़ा काम वाम खत्म करके फिर नेक्स्ट ट्रिप प्लान करेंगे, बैंग बैंग कर कुंडी लगा लो सैया। क्या बात अंकल,
क्या कट मारते हो। एंड फाइनली वी आर हियर एट दिस लोकेशन, लेट्स सी खाना कैसा होगा। चल कोई है भी खाने को, है भी भाई। लोकेशन तो देखो ठीक ठीक लग रही है, तो मैं तो इधर बैठता हूँ कोना पकड़ के। हम डुमसुम खाओगे, डुमसुम चाइनीज, हम ना चाइनीज रेस्टोरेंट में आए वैसे देखा जाए तो। भाई अब मैं बताता हूँ हमारा एक्सपीरियंस कैसा था खाने का और अब मैं कहाँ पे आया हूँ। तो भाई ये है काउंटडाउन और मेरी बात मानो। एंड चिता फैम मैं ये कह रहा था कि मुझे ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं आई, और जिसने मुझे ये जगह सजेस्ट की मैं बोलना चाहूँगा कि तू अगर ये देख रहा है वीडियो, मुझे पता है तू देख रहा है, तू गधा है। देखो अगर बात करें एम्बियंस की तो वो तो मतलब मेरे को सच में पसंद नहीं आया, और इसके रेट्स ना मतलब जनरली डबल थे, काइंड ऑफ डबल समझ लो। और सबसे खूबसूरत चीज़ जो देखने वाली थी वो ये थी कि ये जो है ये कोल्ड ड्रिंक है, ठीक है, ये कोल्ड ड्रिंक का गिलास 40 रुपये का है। भाई इस गिलास में कोल्ड ड्रिंक कौन देता, लाइक इस गिलास में कोल्ड ड्रिंक, इस गिलास में तो हमारे लौंडे पानी ना पीते। एंड ये जो मैं आपको फाइनली दिखा रहा हूँ ये है 165 रुपीज की चाउमीन बिना नमक की, बकवास भाई। और तो क्या करेगा, इसका खेल ही खत्म नहीं हो रहा है। कौन सा है, कढ़ाई पनीर? मैं तो अचारी तो प्याजा सोच रहा था। सर खा गया ये। Like a